हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी गार्डन में। शाम का समय हो रहा फ्रेंड, और जो भी मैं दिल्ली से प्लांट लेकर आई थी वो प्लांट को मैंने रिपोर्ट कर दिया था, तो चलिए उसका अपडेट दे देते फ्रेंड किस तरह से उसका प्लांट का ग्रोथ हो रहा और कुछ जो प्लांट है वो ख़राब भी हो गया। फ्रेंड चलिए अपना गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू देते हुए आपको दिखाते हुए, अगर ये देख सकते हैं बालसम में एक किस तरह से फ्लावर हो रहा है और एक लाइट पिंक हो रहा है। वाइट का भी सीड्स डाले थे फ्रेंड, तो वाइट भी जरूर होगा, अभी नहीं हो रहा, स्टार्ट हुआ है खिलना। उधर मेरा मंडेविला में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लावर हो रहा है, उससे ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही है। चलिए अपडेट देते हैं फ्रेंड कौन कौन सा प्लांट लेके गए थे और किस तरह से प्लांट चल रहा है। देख सकते कितना बड़ा सा प्लांट हो गया है गोड़ी चोरी का। एक ये प्लांट था फ्रेंड, ये है सावनी का वाइट कलर का, ये भी प्लांट जो है ला के जिसमें लगाया था तो बहुत तेज़ धूप हो रहा था तो उसके जितने भी पत्ते थे सब सूख गए थे, लेकिन देख सकते इसका भी ग्रोथ होना शुरू हो गया है, ये देखिए। और इधर दो दिन से बारिश भी हो जा रहा है तो प्लांट में पानी भी नहीं डालना पड़ा, लेकिन देख सकते इस तरह से इसका ग्रोथ होना शुरू हो गया है। यहाँ भी बालसम है जिसमें बर्ड्स बनना शुरू हुआ है, ये देखिए ये लगता है कल खिल भी जाएगा, पर्पल कलर का है। और ये देख सकते हैं फ्रेंड ये एक पौधा लेकर के आए थे जो देसी बरबीना है फ्रेंड, जितना फ्लावर का समय ये था सब सूख गया है, ऊपर से कट कर देंगे। देख सकते हैं ग्रोथ कितना ज़्यादा अच्छे से हो गया है और प्लांट भी बहुत हेल्दी हो गया है। प्लांट हेल्दी था भी लेकिन दो दिन तीन दिन लग जाता लाने आने में तो प्लांट बहुत ख़राब हो गया था, तो देख सकते जितने फ्लावर केवल लगा हुआ है वो सूख गया है, लेकिन नीचे से प्लांट पूरा ग्रीन हो गया है, इसको लगाए हुए भी 4 से 5 दिन हो गया है। तो एक प्लांट ये लेकर के आए थे फ्रेंड, इधर गुलदाउदी को भी रिपोर्ट कर दिए तो भी अच्छे से चल रहा है। यहाँ भी बाल सब, और एक ये देख सकते पेंटास, पेंटास में भी फ्लावर खिलना शुरू हो गया है, इसको भी कट करके जल्दी ही और बहुत सारा प्लांट बना लेंगे। तो ये है पर्पल कलर का, सॉरी पिंक कलर का, और ये पर्पल कलर का फ्रेंड, तो देखिए इसमें भी नया नया ग्रोथ होना शुरू हो गया। इसका फ्लावर बड्स जो है वो छोटा छोटा सा था और बहुत ज़्यादा सूखा हुआ जैसा हो गया था, लेकिन अभी देख सकते हैं इसका लीव जो है ग्रीन ग्रीन हो गया है। और कुछ इधर में हम कैलेंज को भी लगाए हुए थे, और एक तो देख सकते कैलेंज को भी शायद इसमें हो गया होगा, रूट्स आ गया होगा, देख सकते फ्रेंड कितना ज़्यादा अच्छे से रूट्स आ गए और बहुत जल्दी इसकी रूट्स भी आ जाती, इसको भी कल रिपोर्ट कर देंगे फिर। और एक इसी में तीन विंग का लगाए थे कटिंग से, लेकिन दो मर गया है, दो सूख गया था, और एक ये देख सकते हैं ये लग गया है। कुछ और भी लेकर गए थे फिर, तो अभी आपके साथ दिखा देते हैं। इधर मेरा डेनियम देख सकते हैं, ये भी पूरा बर्ड्स बन के तैयार हो गया है, ये बहुत खूबसूरत लगता है, खिलेगा तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर बालसम, मेरा हिबिस्कस डेली एक दो फ्लावर खिलता ही है, यहाँ भी है। एक प्लांट आपको और दिखाते हैं फिर, ये जो आप देख रहे हैं ये अडेनियम का सीड से लगा हुआ प्लांट है, एक ऐसी तरह से पार्क गए थे जहाँ पर अडेनियम में बहुत सारा सीड पॉट बना हुआ था और बहुत सब उड़ रहा था इसी तरह से, तो वहाँ से तीन जो है नीचे से गिरा हुआ जो था पत्ते पर लगा हुआ तो उस तरह से इसको ले लिए थे, तो तीनों को ला कर उसी समय लगा दिए थे, तो एक साथ मर गया है, एक ख़राब हो गया है, लेकिन दो देख सकते हैं लग गया है, इसमें तो दो और पत्ते हो गए हैं, चार पत्ते हो गए, इसमें शायद अभी दो ही हैं, और ये तो पहले से ही लगा हुआ प्लांट था, इसका सीधा गिर गया था, सेकेंड प्लांट है ये भी लग गया था, तो देख सकते हैं दो एडेनियम में थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो शायद इसको रिपोर्ट भी कर देंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी आज की वीडियो फ्रेंड, जो प्लांट लेकर आए थे उसका अपडेट। चलिए इसी साथ वीडियो को हम बंद करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।